शहर की ताजा खबरें देखने के लिए INBCN न्यूज को YouTube पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की ओर से ली जाने वाली 10वीं कक्षा के नतीजे बुधवार को घोषित किए गए। इस नतीजों में मनपा द्वारा चलाई जा रही स्कूलों के छात्रों में भी अपना परचम लहराया है। मनपा के स्कूलों का इस साल का रिजल्ट 95% लगा है, पिछले साल की तुलना में बेहतर होने की जानकारी मनपा की ओर से दी गई। मैं प्रीति मिश्री कोटकर, शिक्षण अधिकारी महानगर पालिका नागपुर। आज SSC का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और महानगर पालिका का ओवरऑल रिजल्ट 85% से भी ज़्यादा लगा है। वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। जब मैं लास्ट ईयर मार्च महीने में मैंने पदभार संभाला तो उसके बाद ये ध्यान में आया कि महापालिका का 10th का और 12th का रिजल्ट बहुत ही कम लगा था। उस पर सोचने के बाद और हमारे अतिरिक्त आयुक्त श्री राम जोशी सर और हमारे शिक्षण सभापति आदरणीय श्री दिलीप दिवे सर, इनकी संकल्पना से हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लास्ट ईयर स्कूल में किए और मैंने शिक्षणाधिकारी होने के नाते सब मुख्याध्यापक, सब टीचर्स और बच्चों को वारंवार प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया। मेरे सभी मुख्याध्यापक, टीचर्स और बच्चों ने इतनी मेहनत की है कि उसका फल आज हमको मिला है। ये जो गुणवत्ता धारक बच्चे हैं उनमें फर्स्ट प्राइस, जो फर्स्ट बच्चा आया है उसको 25,000 का प्राइस और 2 ग्राम का गोल्ड कॉइन मिलेगा। जो सेकंड नंबर पे बच्चा है उसको 15,000 रुपये दिए जाएंगे और जिसका तीसरा क्रमांक आया है उसको 10,000 रुपये प्राइज में दिए जाएंगे। इसी तरह जो मागास वर्गीय ग्रुप में प्रथम बच्चा है उसको 25,000 और जो दिव्यांग ग्रुप से पहला बच्चा आया है उसको 10,000 का भी पारितोषिक दिया जाएगा। परीक्षा में जीत हासिल करने वाले छात्रों का सत्कार और अभिनंदन मनपा के मुख्यालय में किया गया। इस समय दयाशंकर तिवारी, सत्ता पक्ष नेता संदीप जाधव, दिलीप दिवे सहित अन्य मान्यवर उपस्थित थे।